हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 92% लोग इस दुनिया में अपने सेट किए हुए गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाते हैं? क्या आपके साथ भी अभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो भी गोल्स को सेट किया, थक हार के आपने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया, या तो फिर जो भी उसको टाइम लिमिट सेट की थी उस गोल्स के लिए, जैसे मैं ये गोल्स एक वीक में फिनिश करूंगा या एक मंथ में, वो 3-4 वीक में या 6-8 महीने में फिनिश होता है? क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है? अगर होता है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं फ्रेंड, कि जिससे आज के बाद आपको ऐसी परेशानी कभी नहीं होगी और आप अपने सभी गोल्स को आपके सेट किए हुए टाइम में फिनिश कर पाओगे. ओके, सो आर यू रेडी टू नो? लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिग्विजय जाला और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे. अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. ओके, सो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ एक ऐसे फेमस इकोनॉमिस्ट इटली के, जिसका नाम है विल्फ्रेडो परेटो. वो बंदे ने क्या ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, कि इटली की जो 80% लैंड, ज़मीन है, वो 20% लोगों के पास है. उसने ये भी ऑब्जर्व किया अपने गार्डन में से कि मटर के पौधे, 20% जो मटर के पौधे हैं, वो 80% मटर को प्रोड्यूस करते हैं. उसने फिर सोचा, वो बंदा इतना पैशनेट हुआ और इसने सोचा कि ज़िंदगी के सभी इंडस्ट्री में, सभी क्षेत्र में ये रूल लागू होता है कि हर एक काम जो रिज़ल्ट होता है, वो 80% रिज़ल्ट 20% काम से पैदा होता है, क्रिएट होता है. तो मैं आपको ये बात और कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ. जैसे कि अगर फ्रेंड्स बात की जाए वेल्थ मैनेजमेंट में, तो क्या होता है कि 20% लोग इस दुनिया में, 80% जो वेल्थ है पूरे दुनिया की, जितनी भी दौलत है, वो 20% लोगों के पास है. अगर आप स्टूडेंट्स के मामले में देख लो, तो आपको पता चलेगा कि 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपकी बुक्स में, आपके जो कोर्स होता है, अगर उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, तो 80% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में लाने के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं. वो आइडेंटिफाई करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. कोई भी बुक को ले लो, उसकी जो 20% कंटेंट होती है, वो 80% आपको बुक समझने में हेल्प करती है. अगर और आगे बढ़े सेल्स एंड मार्केटिंग के मामले में, तो 20% जो क्लाइंट्स होते हैं, उससे ही हमें 80% सेल्स मिलते हैं. 20% जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, उससे 80% सेल्स आते हैं. या तो फिर बोल लो कि 20% जो सेल्स पीपल होते हैं, वो 80% सेल्स को जनरेट करते हैं. और आगे बढ़ें और हम टेक्नोलॉजी के मामले में देख लें फ्रेंड्स, कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप होती है, उसके जो 20% फीचर्स होते हैं, वो 80% लोग उनको ही सिर्फ यूज़ करते हैं. हम पूरा सॉफ्टवेयर या पूरी ऐप के सभी फीचर्स को यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, राइट? और आगे बढ़ें और मैनेजमेंट के मामले में देख लें कि 20% जो आपकी टीम होती है, वही आपका 80% काम फिनिश करती हैं कोई भी कंपनी में. अगर आप देख लें कोई प्रोजेक्ट्स के मामले में, तो आपको पता चलेगा कि 20% के एफर्ट्स से 80% वैल्यू अचीव की जाती है वहाँ भी. तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसमें 20% ऐसे काम होंगे, 20% ऐसे कोई एक्शंस होंगे, जो आपको सही में, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो आप उससे 80% रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. लेकिन वो पहचानना आपका काम है, राइट? तो ये वीडियो के देखने के बाद थोड़ा 5 मिनट बैठना और सोचना कि जो भी मुझे अचीव करना है 2020 में, ऐसे कौन से काम पे मैं फोकस कर सकता हूँ, ऐसे कौन से 20% काम है जिस पे मैं सही में फोकस कर सकता हूँ, जिससे मैं 80% रिजल्ट्स को प्रोड्यूस, 80% अपने गोल्स को क्विकली अचीव कर सकता हूँ. और अगर आइडेंटिफाई करो, अगर ये बात आपको सही लगे, तो प्लीज़ आपकी कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना सब लोगों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा. ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय, थैंक यू वेरी मच.